एक बार फिर से न्यूज और टीवी की हेडलाइन बन चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत। और अब क्या सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ ना दिलाने की कसम खा ली है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ट्विस्ट में और मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए हर किसी ने सुशांत के केस को सीबीआई को सौंपने का फैसला कर लिया था, पर इसके अपोजिट अब जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर अब कहीं ना कहीं दर्शक और फैंस इस बात से पछता रहे हैं कि आखिर इस केस को सीबीआई के हाथ में क्यों सौंपा गया है। आपको बता दूं कि सीबीआई अब सुशांत को इंसाफ नहीं दिलाएगी, बल्कि अब सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली को कटघरे में लाकर खड़ा कराएगी। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन के ऊपर अब बहुत ही बड़ा मुकदमा चलाया जाएगा और वो भी धोखाधड़ी का। इन्फॉर्मेशन आ रही है कि प्रियंका ने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल किया था और इस ब्लैकमेलिंग की एक व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल कराई जा रही है। सीबीआई ने इस बात की ओर इशारा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन का असली वजह रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि सुशांत की फैमिली है। बताया जा रहा है कि अब सुशांत की फैमिली को एक बहुत ही बड़े राज और बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना होगा, क्योंकि सुशांत को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है शक की सुई हर किसी की तरफ घूमती ही रहेगी। रिया चक्रवर्ती को उनके किए की सजा मिल चुकी है और वो अभी जेल की चार दीवारी में कैद हैं। बावजूद इसके रिया चक्रवर्ती अभी भी अपने आप को बेगुनाह साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई इंसाफ दिला पाएगी या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।